फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं उस नाग नागिन के जोड़े को देखने जो कि सिद्ध हुए हैं। और ये कहानी हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं मम्मी पापा से, दादा दादी से, कि कोई नाग नागिन का जोड़ा कहीं पे सिद्ध हुआ है। तो कहाँ पे सिद्ध हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो जो कि बाड़दा पहाड़ से जा रहे थे, वो सांप, ये जो पहाड़ दिख रहा है आप लोगों को सामने में, इसी पहाड़ से जा रहे थे। और वो किस जगह पे स्थित है, किस जगह पे वो मतलब सिद्ध हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो कौन सा गांव है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि किधर से जाना है। तो देखिए, यहाँ पे जो कि अभी हम लोग को राइट ले लिए हैं, राइट लेना है। और ये एक गाँव है, कोई बड़ा शहर तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा कच्चा रास्ता है और यहाँ बैल बकरी को चराने ले जाया जा रहा है। हम लोग लगभग उस जगह पे पहुंचने ही वाले हैं। देखिए, हम लोग के अलावा भी लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए, काफी सारे लोग आते हैं यहाँ पे देखने। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग इस जगह पे पहुंच गए हैं। ये गांव जो है, ये दुलमी गांव है, नाग नागिन सिद्ध हो गया है, यहाँ पे हम लोग आए हैं। और वहाँ जो है बगल में नदी है, वहीं पे इन लोग जाना चाह रहे थे। और ये बच्चे जो है ये बता रहे हैं कि ये नागिन है। इन लोग जो है मतलब मुड़ के देख रहे थे पीछे साइड कि इन लोग दोनों साथ में आ रहे थे। पहले तो एक नाग था, एक नागिन था, दो नाग नागिन का मतलब जोड़ा था इन लोग का। और इन लोग साथ में आ रहे थे और पानी पीने साथ जा रहे थे होंगे। और यहाँ पे जो है सीत हो गए हैं इन लोग सोच रहे थे कौन कितना दूर में है, यही देखना चाह रहे थे। नाग भी पीछे मुड़ गया है, वहां पे आगे है नाग और यहाँ पे जो है नागिन है। तो ये भी पीछे मुड़ के देख रही थी कि वो कितने दूर में है, यही देखना चाह रही थी, इसीलिए वो पीछे मुड़ के देख रही थी। तो ये जो है सीत हो गई है। इनका जो है सब लोग अलग अलग तरह से कहानी बोलते हैं, कोई कुछ और बोलते हैं तो कोई कुछ और। जो मुझे पता है वो मैं बता रही हूँ। बताया जा रहा था कि इन लोग को एक कहानी ये है, मैं दूसरी भी बाद में बताऊंगी। तो ये कहानी ये है कि दोनों जन पानी पीने के लिए जा रहे थे, इन लोग को प्यास लगा था तो पानी पीने के लिए जा रहे थे। तो वही आगे में जो है नदी में कुछ लोग नहा रहे थे। तो हो सकता है इन लोग आदमी लोगों को हानि पहुंचाते हैं, आदमी लोगों को खाना चाहते हैं, इसीलिए जो है इन लोग जा रहे हैं सोच के इन लोग को सिद्ध किया गया है, ऐसा एक मान्यता है। और एक मान्यता ये भी है कि इन लोग का रेस चल रहा था ना, कि इन लोग का सर्प था एक, कि कोई सिर उठा के देखना नहीं चाहिए, कोई सिर उठा के नहीं देख सकता। दोनों एक दूसरे को सिर उठा के देख रहे थे कि कौन कितना दूर पहुंचा, कौन मेरे से आगे जा रहा है या कौन मेरे से पीछे जा रहा है, यही देखने के लिए इन लोग पीछे मुड़े थे। उधर जो है नाग भी पीछे मुड़ गया है और ये भी पीछे मुड़ गई है। तो इसी टाइम इन लोग सिद्ध हो गई, कुछ ऐसा ही कहानी मुझे पता था। और लोगों के मुंह से और कुछ कुछ सुनने को आता है, बट क्या रियलिटी है वो तो मुझे नहीं पता, जो मुझे पता है वही मैं बताई। तो कुछ ऐसा ही कहानी मुझे पता चला है। और यहाँ जो है एक मेला भी लगता है जो कि नाग मेला, और यहाँ पे जो है बच्चे बता रहे थे, इन लोग बता रहे थे नाग मेला लगता है ना बाबू लोग, तो इन लोग बोल रहे थे नाग मेला लगता है जो कि बड़ा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ जो है बहुत भीड़ हो जाता है और मेला बहुत अच्छे से लगता है। इसका जो बनावट है एकदम नागिन की तरह है, देख सकते हैं। और अभी जो कि चलते हैं आगे और देखते हैं नाग को भी, वो शायद इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको भी अभी जाके देखते हैं। यहाँ पे आसपास में कोई घर नहीं है, ये खाली जगह है। इस जगह पे बस पेड़ पौधा ही दिख रहा होगा, दूर दूर तक देख सकते हैं। तो नागिन इस जगह पे सिद्ध हुई है और नाग थोड़ा सा आगे है। तो बच्चे लोग हम लोग को रास्ता बताए, तो जाके देखते हैं कि वो किस जगह पे है। हम लोग तो पहले कभी आए नहीं है इसीलिए जान नहीं रहे। ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता है तो शायद इसमें और भी आदमी आए होंगे, यही रास्ता होगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम लोग इस जगह पे आ गए हैं। नाग यहाँ पे है आगे में, और इधर जो कि हम लोग गाड़ी रख दिए हैं, और वहां से नागिन के सामने से यहाँ अधिक दूर नहीं है, आधा किलोमीटर। और जो कि यहाँ पे है नाग यहाँ पे, और ये इधर थोड़ा सा जो है झुंड है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा है। और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये वाला जो सीध हुआ है ये नाग, ये थोड़ा सा बड़ा है उससे। और जो कि इसमें आसपास में थोड़ा सा क्या बताया झूठ है। और देख सकते हैं ये है
नाग जो कि पेड़ के सामने में है, ये पेड़ के सामने में है और इसके बगल जो है एक बड़ा सा पेड़ है, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जो है पूजा होता है, कुछ कुछ सामान जो है पूजा का यहाँ पे है, तो उसी से देख के पता चल रहा है जब वहाँ पे त्योहार होता है, वहाँ पे मेला लगता है, तब इस चीज का भी, इनका भी पूजा होता है। उतना ये से तो पता नहीं चल रहा है इनका मतलब सिर किधर, बट बोला जाता है कि ये भी पीछे ही मुड़ के देख रहे, थोड़ा सा लंबा है उससे ये जान रहे, और जो कि इसका ये सीधा सीधा है, वो तो थोड़े से झुका हुआ टाइप से था और ये जो है एकदम सीधा है। तो फाइनली हम लोग उस नाग नागिन के जोड़े को देख लिए जो हम लोग सुनते आ रहे थे बचपन से, कि बाड़दा पहाड़ से गए हुए दो सांप दुलमी गांव में सिद्ध हुए, ऐसा सुनने को आता था बट कभी पहले देखे नहीं थे। तो आज वो चीज हम लोग देख लिए और किस जगह पे है वो भी देख लिए। तो अभी जो कि शाम होने को आया है तो घर की ओर चलते हैं। देख के तो वो जोड़ा एकदम सांप के आकार का ही लगा, नाग नागिन के आकार का ही, और वहां डेली पूजा भी होता है और फिर मेला भी लगता है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर